डंकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दिन 13, शाहरुख खान राजकुमार हिरानी की फिल्म संजू के रिकॉर्ड से पीछे रह जाएगी, लेकिन फिर भी यह अपने प्रदर्शन के अंत तक चेन्नई एक्सप्रेस से आगे निकल सकती है। सुपरस्टार शाहरुख खान की नई कॉमेडी ड्रामा डंकी के कलेक्शन में मंगलवार को छुट्टियों के मौसम के बाद सबसे बड़ी गिरावट देखी गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक निर्देशक राजकुमार हिरानी की फिल्म ने 3.85 करोड़ रुपए की कमाई की, जो कि एक दिन में अब तक की सबसे कम कमाई है। क्रिसमस और नए साल की छुट्टियों के बाद कलेक्शन में गिरावट की आशंका थी। डंकी की 13 दिनों की भारत में कुल कमाई अब 200.62 करोड़ रुपए है, जबकि दुनिया भर में इसका कलेक्शन 410 करोड़ रुपए से कम है। यह फिल्म जल्द ही शाहरुख की चेन्नई एक्सप्रेस के लाइफटाइम ग्लोबल कलेक्शन को पीछे छोड़ देगी, जिसने 423 करोड़ रुपए कमाए थे। फिल्म ने पहले ही रईस और हैप्पी न्यू ईयर के लाइफटाइम कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है। हालांकि यह अंततः पिछले साल विश्व स्तर पर जवान और पठान की कमाई के आधे से भी कम के साथ अपना प्रदर्शन समाप्त करेगी। बॉलीवुड से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए टॉप बॉलीवुड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। थैंक यू।